अच्छा लग रहा है मेरा एक और उपन्यास आया है और जब भी कोई नई किताब आती है तो मुझे लगता है मेरा एक और जन्म हुआ है पाठकों से एक और रिश्ता तैयार हुआ है और एक बहुत बड़ी दुनिया मेरे सामने खुलती है और बहुत बड़े परिवार पाठकों का मित्रों का समीक्षकों का मेरे सामने खुलता है और मैं पहले की तुलना में हर बार और अमीर हो जाता हूँ। जहाँ तक इस किताब का सवाल है, ये चैट के रूप में जो उपन्यास मैंने लिखा है ये अलग है। हुआ है मेरी जिंदगी में कि मैंने हर काम, चाहे व्यक्तिगत तौर पर हो या लेखक के तौर पर, कुछ अलग करने की कोशिश की है और करता भी रहा हूँ, चाहे सफल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक सुख होता है कि काम मैंने अलग तरीके से किया है। यह उपन्यास भी एक अलग तरीके से, अलग शैली में, अलग भाषा में लिखा गया है, चैट फॉर्मेट में। इस उपन्यास के नायक का नाम देव है और नायिका का नाम छवि है। दोनों नाम छद्म नाम है और जो नायिका के नाम, नायिका के द्वारा ही सुझाए गए हैं कि हम आपस में इन दोनों नामों से बात करेंगे। इसका कारण ना तो उसने बताया ना ही लेखक को मालूम है कि ये नाम क्यों दिए। इसके पीछे एक छोटा सा कारण यह भी है कि इस दुनिया में बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे बनते हैं जो छद्म नामों से हमें बनते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम पुरुष से बात कर रहे हैं या महिला से, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि दो ही पात्र हैं जो आपस में बात करते हैं, लंबे समय तक बात करते हैं, बहुत सारे विषयों में बात करते हैं, लेकिन अपना नाम छुपाते हैं।